तृतीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं डीजियाना न्यूज़, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नज़र डालते हैं अभी तक के प्रमुख खबरों पर। छात्र संगठन डीएसओ ने आज दिया प्राचार्य को ज्ञापन। संगठन का कहना है कि कॉलेज द्वारा बीए, बीकॉम, बीएससी पर 200 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बारे में प्राचार्य से पूछा गया तो उनके द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई। साथ ही फर्स्ट काउंसलिंग की लिस्ट 19 तारीख को लगना था, जो दो दिन बाद आज लगाई गई। डीएसओ कार्यकर्ता ने बताया कि इस तरह की मनमानी कॉलेज प्रशासन हमेशा से करता आ रहा है। छात्र संगठन ऑल इंडिया डीएसओ के द्वारा कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन दिया गया है। अभी विगत दिनों 19 तारीख को फर्स्ट काउंसलिंग की लिस्ट लगना था, लेकिन आज मध्य प्रदेश सरकार उच्च शिक्षा मंत्रालय द्वारा अभी दो दिन बाद लेट जो फर्स्ट काउंसलिंग लगना था उसकी लिस्ट लगाई गई है और कल उसकी लास्ट डेट है। लेकिन कॉलेज प्रशासन ने जो हर साल करता है, इस साल भी 200 रुपया सभी मदों में बढ़ाया गया है, बीए, बीकॉम, बीएससी। हम लोग मांग कर रहे हैं, जब हमने प्राचार्य से पूछा कि 200 रुपया क्यों बढ़ाया गया है तो प्राचार्य के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है कि ये 200 रुपया क्यों बढ़ाए गए हैं। हम लोग मांग कर रहे हैं कि छात्रों के ऊपर दबाव है कि जो पैसा लगातार हम लोग देख रहे हैं, ये लोग अलग अलग नाम से पैसा वसूल रहे हैं। और हमारी मांग भी है कि कॉलेज जो है वो शिक्षा का केंद्र है, कोई दुकान नहीं है कि यहाँ पर छात्रों से पैसा वसूला जाए। तो ये मांग की गई है कि 200 रुपया तुरंत वापस लिया जाए छात्रों से। गुना को आई प्याज की रेख। अभी तक करीब 22,000 क्विंटल प्याज आ चुका है, जबकि 71,000 क्विंटल की आवक होना थी। खाद्य अधिकारी ने बताया कि राशन की दुकानों पर प्याज 2 रुपये किलो बिकना है, वहीं व्यापारियों को 3 रुपये किलो से अधिक पर दिया जाएगा। अभी प्याज धार, उज्जैन, रतलाम और राजगढ़ से आ रहा है, जिसमें केवल उज्जैन का प्याज ही सबसे बढ़िया है, जबकि राजगढ़ का प्याज खराब आ रहा है। खाद्य अधिकारी का कहना है कि प्याज के रखरखाव में अभी कोई दिक्कत नहीं है। अपना 22,000 क्विंटल आया है, मतलब अभी जो रेक में आया वो तो 22,000 आया है, बाकी आना तो अपना 71,000 क्विंटल है। अब वो देखते हैं, ट्रकों से भी आ रहा है, ट्रेन से भी आ रहा है, तो जो ट्रक की कोई काउंटिंग तो रहती नहीं, कभी 10 ट्रक आ जाते हैं, कभी 20 भी आ जाते हैं। क्वालिटी वाइज अभी चेक में आया है, ये थोड़ा सा खराब है। और अलग 4 जिलों से आ रहा है, धार से आ रहा है, उज्जैन से आ रहा है, रतलाम से आ रहा है और राजगढ़ से आ रहा है। तो राजगढ़ की प्याज थोड़ी खराब है और रतलाम से जो आई है उसमें भी थोड़ी खराब है, बाकी उज्जैन की प्याज सबसे अच्छी है। हाँ, बाकी अभी जब तक बारिश नहीं हो रही तब तक नुकसान नहीं। और शासन के निर्देश ये है कि राशन दुकानों के माध्यम से 2 रुपये किलो का वितरण कराया जाना है, और यदि कोई व्यापारी लेता है तो 3 रुपये या उससे अधिक रेट में यदि कोई व्यापारी लेता है तो उनको व्यापारी को दी जा सकती है प्याज। भदौरिया की पठार पर रात भर चला अवैध उत्खनन। मकसूदनगढ़ के बिरोदिया गांव में पठार पर अवैध उत्खनन करते हुए पॉकलेन मशीन को मकसूदनगढ़ तहसीलदार ने कार्रवाई करते हुए पकड़ा। यह अवैध उत्खनन की जानकारी जैसे ही मकसूदनगढ़ तहसीलदार को लगी, वह तहसीलदार अपने स्टाफ के साथ बिरोदिया गांव की पठार पर पहुंचे। वहां अवैध उत्खनन करती हुई पॉकलेन मशीन को पकड़ा और कागजी कार्रवाई की।
मुरम का आवेदन फोन कर रहे थे, तो लेन पकड़िए। इसमें लिखा है सुमीर सिंह तो ड्राइवर था, ये है टी एल राठौर। इसमें क्या कार्रवाई जब्त करके सरपंच के सुपुर्द पर ये पंचायत के ग्राम बदौरिया पर सुपुर्द कर दे दिया। क्या पकड़ा है इसमें? बोगलन पकड़ी और डंपर भी था क्या? नहीं था सर, मशीनी है। कंट्रोल से बिना तोले दी जा रही है प्याज, नहीं लेने पर गेहूं भी नहीं दिए जाने की धमकी दी जा रही है। राधोगढ़ कंट्रोल पर बिना तोले दी जा रही प्याज, अगर कोई उपभोक्ता बिना तोले प्याज नहीं लेता तो कंट्रोल संचालक गेहूं देने से मना करता है। कंट्रोल संचालक द्वारा एक राशन कार्ड पर प्याज का एक कट्टा दिया जाता है, वो भी बिना तोले। किसी किसी उपभोक्ता से एक कट्टा प्याज के 130 रुपये लिए जाते हैं, जबकि प्रशासन के आदेशानुसार प्याज 2 रुपये किलो देनी है। अगर उपभोक्ता 50 किलो से कम प्याज लेता है तो उसे गेहूं देने से मना किया जाता है। उपभोक्ताओं का कहना है कि यदि 10 किलो प्याज लेना हो तो कंट्रोल संचालक जबरदस्ती प्याज का एक कट्टा देता है। वहीं कंट्रोल पर रखी प्याज को मवेशी खा रहे हैं, जिसका कंट्रोल संचालक को पता भी नहीं। जब हमारी बात सीएस जादौन फूड इंस्पेक्टर से हुई तो उन्होंने बताया कि किसी भी उपभोक्ता को 10 से लेकर 50 किलो तक प्याज दी जानी है, वो भी 2 रुपये किलो। इसमें किसी से किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्याज ले लिया आपने? कितने किलो दिए? 1000 किलो है एक कट्टा। क्या आपको कितना चाहिए था? अब सभी मिल रहे थे, हमने ले लिया। कितने रुपए किलो दे रहा है? कबाद एक कट्टा बगैर तुली यही बात 130 की पड़ी। 130 रुपए? उन्होंने कितने किलो बताया? उन्होंने 60 किलो भी बोल रहा थे। 60 किलो तोल के दी कि नहीं दी प्याज? बगैर तुली है, बिना तुली दी है। चलो सब कुछ दरगाह भी कहना है कि 60 किलो प्याज दे रहे हैं। किसी ने जान अगर मांगिए 10 किलो दूसरे से ले ली, उसने 60 किलो 50 किलो ही दे रहे हैं अपन, 50 किलो ज्यादा नहीं दे रहे। यदि या उनका कहना जी भाई उनने 60 किलो या 50 किलो प्याज नहीं दी तो आप उनको गेहूं भी नहीं दे रहे। बोला एक भी याद यहीं पे खड़ा था, वो क्या नाम था उनका? एक भी बोला दो आप पे जिससे मैंने ये कहा हो कि मैं तुझे गेहूं नहीं दूंगा। बाकी 10-20 किलो की जरूरत हो किसी 10-5 किलो तो अपन देंगे जो ले रहा है। बाकी इसी जैसा कोई आप एक भी आदमी हो आप ले आओ उसको, मैंने इससे मना किया। नियम कितने का है? 10 से 50 का। 10 से 50 का है तुम्हारे सामने ही तो 50-50 ले रहे हैं सारे लोग। मैं तो अब 10-10-20 किलो कोई 50-50 ले रहे हैं, तो कुछ नहीं ले रहे हैं। 10 से 50 के बीच में लेना है इस गिराई प्रत्येक इस गिराई पर। और जो इसमें जो बारदाने का भी कुछ चार्ज लगता है इसमें? तो जो बार बोरी मुझसे लेंगे खरीदेंगे तो अपन 10 रुपये उससे ले लेंगे, जो बोरी हमसे ले लेंगे। जो कट्टा वहीं से आया पैक वो तो देखो ना तुम्हारे सामने बहुत बेसी दे दिया। हाँ तो उसी को तो उसी के 10 रुपये चार्ज रहे ना? नहीं मैंने नहीं लिया, मैंने जो अलग से कट के ले रहा हूँ उनको 10 रुपये लिया। जैसे कि जो पूरा सलाह आया वहीं से 50 किलो का है, जो पूरा 50 किलो का है वो तोल के दे रहे हैं अपन 50 किलो उसको। अगर कोई व्यक्ति आ गया तुम्हारे सामने तो ले जाए, वो व्यक्ति तो दिया। एक हितग्राही ने अभी बताया है कुणी परसा से आया था मूलचंद सिंह, उसने कहा मेरे लिए ऐसे दिया 50 किलो का कट्टे 130 रुपये का। नहीं गलत, आप तोल लो ना सामने ला के। आज तीसरा योग दिवस पूरे देश में हर्ष के साथ मनाया गया। इसमें बड़ी संख्या में बच्चों एवं बड़ों ने भाग लिया। परेड ग्राउंड पर आज शहर में आयोजन किया गया तथा मेरु तंत्रिकाओं को मजबूती प्रदान करता है। ये सांस लेने की क्षमता को बेहतर बनाता है। सांस भीतर लें, धीरे धीरे वापस आएं तथा विश्राम करें। उच्च रक्तचाप के रोगियों को सावधानी से झुकना चाहिए।
त्रिकोणासन, गर्दन को घुमाना, सिर को आगे की ओर झुकाकर थोड़ी को छाती से क्रम में करते हुए प्रारंभिक स्थिति में आए, विश्राम करें। अन्य श्वास के साथ इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहें। यह समतल पैर से बचाता है, पिंडलियों, जांघों तथा कमर की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है और मेरुदंड को लचीला बनाता है। समानांतर रखें, अब सिर को पीछे की तरफ झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचें। अब अपने पैरों को खींचें और विश्राम की अवस्था में आएं। एक्यूट आर्थराइटिस। कलेक्टर राजेश जैन ने सभी को शुभकामनाएं दी और कहा कि योग करने से तन और मन स्वस्थ होता है। विश्व योग दिवस पर मैं सभी नागरिकों को शुभकामनाएं देता हूं। योग तन, मन और शरीर को जोड़ने का एक साधन है, इसको अपनाकर हम स्वस्थ एवं निरोग रह सकते हैं। मैं पुनः सभी को बधाइयां देता हूं और सबसे आग्रह भी करता हूं कि सभी अपने जीवन में योग को अपनाएं। आज परेड ग्राउंड पर प्रभारी मंत्री जयवान सिंह पवैया ने भी इस आयोजन में भाग लिया। यहां मंच पर नगरपालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सलूजा, बीजेपी जिलाध्यक्ष राधेश्याम पारिक, अर्चना बबलू चौहान, हरे सिंह यादव एवं जिला कलेक्टर राजेश जैन मौजूद थे। पवैया ने योग के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि योग हमारे पूर्वजों के समय से चलता आ रहा है। प्रधानमंत्री जी का स्वस्थ भारत का और स्वच्छ भारत, ये जो स्वस्थ भारत की कल्पना है, ये दवाओं से स्वस्थ भारत नहीं होता। योग की शुरुआत ही क्यों, इसलिए हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने जो योग का वांग्मय सारे विश्व को दिया, जिसको हम स्वयं भूल गए, योग दिवस के नाते उसकी बहुत गहरी प्रेरणा देशवासियों को मिलती है। और जब भारत के प्रधानमंत्री जी के साथ हम सब योग करते हैं तो घर घर में योग के प्रति चेतना आई, और मुझे ऐसा लगता है कि भारत का हर नागरिक अगर योग को अपने जीवन में अपना लेगा तो भारत में अस्पतालों की जरूरत बहुत न्यूनतम रहेगी। इसलिए ये क्रांति है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और मनुष्य का मन और मस्तिष्क किस तरह नियंत्रित हो सकता है, सामाजिक जीवन ही बदल जाएगा। भारत विश्व योग गुरु है आज, लेकिन योग केवल एक दिन ही के उपचार का सरकार कोई निर्णय लेने जा रही है कि योग को लेकर के सरकार क्यों रोज कराएगी, नहीं कोई पाठ्यक्रम या प्रधानमंत्री जी प्रेरणा देते हैं, योगा कई जगह शिक्षण का अंग भी है, इसलिए हर चीज़ सरकार पर छोड़ना ही भारत की विडंबना है। ये सोच ही अच्छा नहीं है कि सरकार क्या कराएगी। योग करने के लिए कोई पूंजी नहीं लगती, योग करने के लिए कोई मशीनें नहीं लगती हैं, योग को आदमी को करना है। इसलिए प्रधानमंत्री जी की अपील पर देशवासी ध्यान दे रहे हैं और योग हमारे जीवन का धीरे धीरे अंग बनेगा, जिसकी शुरुआत तो योग ऋषि रामदेव जी महाराज ने इसी योग की। आज के लिए बस इतना ही, कल ताज़ा तरीन खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार।